ABPS News। देश के 70 साल की आजादी के बाद भी उसके हालात नहीं बदले। गांव का किसान और मजदूर अपनी जिंदगी को जीने की जंग लड़ रहा है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, यह देश का दुर्भाग्य ही है। इसका मुख्य कारण यहां की सरकारें व सरकारी तंत्र है। इसी के तहत गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सादाबाद में स्थित पट्टी बहराम गाँव पहुँचा। इस गाँव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर है। लगभग 2000 की आबादी व 850 वोटरों द्वारा जगबीर सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 250 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में 105 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 खराब हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 45 विद्युत पोल, 16 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है, तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घरों का निर्माण कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 10 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान जगवीर सिंह बोल रहा हूँ। मेरी पंचायत का नाम पट्टी बहराम, ब्लॉक सादाबाद, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस से, तथा मैंने जो अपनी कार्यकाल में कार्य कराए हैं, पक्के कार्य जो निधि से कराए हैं, 2 इंटरलॉकिंग खड़ंजा, 1 नाली, 3 नल रिबोर, बाकी पूरे गांव के नलों की रिपेयरिंग आज तक सुचारू है। मनरेगा से जो मैंने कार्य कराए हैं, नाला सफाई, चरागाह के गड्ढा खुदाई, उसके बाद वृक्षारोपण, उसके बाद 2 नालियों की सफाई, उसके बाद में एक जो है चक्रोड डलवाया मैंने, उसके बाद 2 कॉलेजों, स्कूल और कॉलेज में मतलब वृक्षारोपण कराया है। ये कार्य मैंने अपने कार्यकाल में कराया है, तथा मेरे गांव के अंदर कोई सरकारी संस्था नहीं है। मुझे या तो एक पंचायत घर चाहिए, बारात घर भी नहीं है, शमशान सौंधीकरण नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई सरकारी संस्था का कोई मतलब सुविधा नहीं है। इसमें से अभी तक कोई आवास नहीं आए हैं गरीब लोगों के, कोई गरीब जनता के लिए कोई सेवा शुल्क ऐसा बढ़िया नहीं मिल रहा है जो उससे पब्लिक। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ मेरे खाते में कम धनराशि आने से मेरे गाँव का विकास नहीं हो रहा है, और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे खाते में अगर अधिक मतलब जो राशि डाल दी जाए, धनराशि, तो उससे जो है मेरे गांव का विकास सही रूप से हो सकता है।